लाडली घर संस्था द्वारा गंज जनकपुरी समारोह स्थल में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस भागवत कथा का वाचन राष्ट्रीय संत डॉक्टर श्री कृष्णानंद जी महाराज द्वारा किया जाएगा। इससे पहले आज कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इस कलश यात्रा में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। साथ ही बैंड वादन अजमेर सेंट्रल जेल की सजा यात्रा कैदियों द्वारा किया गया। जनकपुरी में आयोजित इस कथा में 12 जुलाई से 18 जुलाई तक विभिन्न सामाजिक प्रसंगों पर वाचन किया जाएगा। साथ ही सामाजिक बुराइयों का अंत कर अच्छाइयों को किस तरह से ग्रहण किया जा सके इसकी जानकारी भी दी जाएगी। साथ ही दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के भी कई कार्यक्रम श्रीमद् भागवत कथा में आयोजित होंगे। जैसा आप सबको मालूम है, आज राष्ट्रीय संत डॉक्टर कृष्णानंद जी महाराज के तत्वावधान में कथावाचक हैं, जो आज कल से यात्रा बड़ी धूमधाम से निकल रही है। हमारा टारगेट था 108 का, किंतु 108 से कहीं बहुत ज़्यादा हो गई है। और लोगों में जो जोश देखने को, मैं समझता हूँ कि यह ऐतिहासिक रैली कलश यात्रा है। और सबसे बड़ी बात है, इस रैली में हमारे केंद्रीय कारागार के जो सजा भोगता जो याप्ता थे, वो उनके द्वारा बैंड बजाया जा रहा है, बैंड लेकर जा रहा है। उनके स्टाफ पूरे उनके साथ है। और बालिका दृष्टिबाधित बालिकाएँ जो आगे गायन गाती जा रही हैं, और आप देख रहे होंगे महिलाओं को, इनको सबको महाराज जी बग्घी में पधार रहे हैं। और ये कलश यात्रा जो है अभी गंज जनकपुरी गंज में जाएगी। उसके बाद कथा का आयोजन 12 से 18 तारीख तक लगातार चलेगा, 1 से 5 बजे तक। और इसमें सुंदरकांड के अलावा गायत्री परिवार द्वारा पीर गायन वगैरह, बहुत ही अद्भुत ये प्रोग्राम होने जा रहा है। और मैं महाराज जी का आभार साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत बड़ा मात्रा में ये जो आप बेड़ा उठाया है, आपका परिचय बहुत ही बढ़िया रहा है। और ये लोग देखेंगे तो देख के आएंगे। मैं डॉक्टर एस डी मिश्रा, समाज सेवी शास्त्री के रजनी।